ये देखिए, अब देखिए इसी साइज के हमने राइस बैग में से दो पीसेस कट कर लिए हैं। अब एक पीस लेंगे, एक पीस कपड़े का लेंगे। अब इसके सेंटर में सिलाइयां लगा लेंगे। देखिए दोनों पीसेस रेडी हो गए हैं। लेंथ है इसकी 17 इंच, विड्थ है इसकी 16 इंच। अब एक पीस लेंगे, यहां से इसे इस तरह फोल्ड करेंगे पूरे में, यहां से यहां तक एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब एक पीस को अलग रख देंगे। इसे लेंगे, इसी साइज की एक चैन लेंगे। चैन में मैंने पहले से दो हुक डाल दिए हैं। अब देखिए चैन की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, इसे लेंगे, इस तरह रखेंगे चैन के ऊपर, इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इस कपड़े के ऊपर यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब दूसरा पीस लेंगे, इसे भी चैन के ऊपर इस तरह रखेंगे, यहां से बराबर रखेंगे। अब इसी तरह इसमें भी यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए, अब देखिए सबसे पहले इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब सेंटर के निशान से इस तरह 2.5 इंच में निशान लगाएंगे। जो निशान यहां पे लगाएंगे इसे यहां तक लंबा खींच लेंगे। अब इसी तरह से सेंटर के निशान से इस तरफ भी 2.5 इंच में निशान लगाएंगे। एक्स्ट्रा चेन कट कर लेंगे। अब इसे हम अलग रख देते हैं। देखिए दोनों हैंडल में रेडी कर लिए हैं। लेंथ इसकी 22 इंच। एक हैंडल लेंगे, इसे इस तरह रखेंगे इस निशान पे, चैन से लगभग 1 इंच नीचे की साइड यहाँ पे बॉल पिन लगा लेंगे। इसका दूसरा सिरे लेंगे, इसे भी इस निशान पर रखेंगे 1 इंच नीचे की तरफ, यहाँ पे भी और पिन लगा लेंगे। अब देखिए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, इस तरह इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब देखिए हैंडल के रफ एजेस कवर करने के लिए कोई भी लेस का टुकड़ा लेंगे, देखिए हैंडल के ऊपर रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे बराबर। अब नीचे की साइड से एक सिलाई यहां से यहां तक लगाकर इसे जोड़ लेंगे। ये देखिए, अब देखिए नीचे की साइड से ऊपर की तरह हम 2.5 इंच में निशान लगाएंगे, यहां से भी 2.5 इंच में निशान लगाएंगे और इन्हीं निशानों को हम पीछे की साइड भी लगा लेंगे। अब देखिए इसके सेंटर से पकड़ेंगे, ये देखिए दोनों निशान, इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे और इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। यहाँ पे और पिन लगा देते हैं। ये देखिए, अब एक सिलाई हम यहां से यहां तक लगाएंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे। देखिए, अब यहां से इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए काफी बड़े साइज का बैग बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक राइस बैग को कट करके खोल लिया है। बैग काफी बड़े साइज का है तो इसकी लंबाई कम पड़ रही थी, तो इसके लिए मैंने दूसरे राइस बैग में से एक पीस कट करके इसमें जोड़ लिया है। ये देखिए यहाँ पे जोड़ लगाया हमने। लेंथ है इसकी 46 इंच और विड्थ है इसकी 22 इंच। देखिए साड़ी में से इसी साइज का एक पीस कट कर लिया है मैंने। अब इसे इस तरह रखेंगे इसके ऊपर। अब इसके चारों तरफ किनारे किनारे की सिलाई लगा लेंगे, सेंटर में भी इसकी सिलाई लगा लेंगे। देखिए लंबाई की साइड से ऊपर की तरफ हम 7 इंच में निशान लगाएंगे नीचे तक। अब इन निशानों को मिला देंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब देखिए लंबाई की साइज की मैंने एक चैन ले ली है, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। एक्स्ट्रा चैन है इसे बाद में कट कर लेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब इस कपड़े को पीछे की तरफ करते हुए इस तरह से पूरे में टॉप स्टिच लगा देंगे। रनर हमने इसमें पहले डाल लिए थे, एक इस साइड से और एक इस साइड से। इस तरह रखेंगे, इस तरह रखेंगे इसके ऊपर। अब इसमें भी यहां से यहां तक सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। अब इसे इस तरह पलटेंगे। अब इसमें भी यहां से यहां तक टॉप स्टिच लगा देंगे। अब हम इसे अलग रख देंगे। अब देखिए इसी तरह से मैंने एक पीस और तैयार किया है।
ये देखिए लेंथ है इसकी 22 इंच और विड्थ है इसकी 10 इंच। अब इसे लेंगे सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। अब इसमें एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाकर इसे जोड़ लेंगे, ये देखिए। अब इसे भी इस तरह से पलटते हुए इसमें भी एक टॉप स्टिच लगा देंगे। अब इसे पकड़ेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम सिर्फ इस पीस को इस तरह पकड़ेंगे, जो हमने पीस जोड़ा है इसी को पकड़ेंगे सिर्फ इस तरह सेंटर से, देखिए एक कट लगा लेंगे। अब इस तरह से पकड़ेंगे सेंटर से, इसमें भी एक कट लगा लेंगे। अभी बड़े वाले पीस को पकड़ेंगे, एक कट लगा लेंगे, यहाँ से ही पकड़ेंगे कि सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे। अब देखिए इस कट को पकड़ेंगे, नीचे वाले कट से मिलाएंगे, यहाँ पे एक और पिन लगा लेंगे, इधर से भी इस कट को इस कट से मिलाएंगे, देखिए यहाँ पे भी एक और पिन लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम ऊपर की तरफ रखेंगे, 6 इंच पे निशान लगाएंगे, इस निशान को अंदर की तरफ 6 इंच तक खींच लेंगे। अब यहाँ से भी 6 इंच पे निशान लगाएंगे अंदर की तरफ, इस निशान को इससे मिला लेंगे। 6x6 इंच का एक बॉक्स बना लिया है हमने, देखिए चारों कॉर्नर में हमने बॉक्सेस बना लिए हैं। अब इन्हें कट कर लेंगे, देखिए चारों बॉक्सेस हमने कट कर लिए हैं। अब हम एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, देखिए। अब ऑल पिन को हम हटा लेंगे। अब देखिए इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, फिर इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से बाकी कॉर्नर को भी जोड़ लेंगे, देखिए चारों कॉर्नर पे हमने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब यहाँ से हम इसे खोल के सीधा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से सेम साइज के दो पीसेस कट कर लेंगे। देखिए राइस बैग में से हमने सेम साइज के 2 पीसेस कट कर लिए हैं। विड्थ है इसकी 24 इंच, लेंथ है इसकी 16 इंच और सेम इसी साइज के पुरानी कुर्ती में से मैंने 2 पीसेस कट कर लिए हैं। अब देखिए इसमें से एक पीस लेंगे, अब इसे पलट के इस तरह रख लेंगे, इसे लेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे की तरह रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे और सेम इसी तरीके से हम दूसरा पीस भी तैयार करेंगे, ये देखिए। अब इस कपड़े को इस तरह पलटेंगे, अब इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। अब देखिए ये 24 इंच वाली साइड है, यहां से हम ऊपर की तरफ 4 इंच पे निशान लगाएंगे, इसी तरह यहां से भी अंदर की तरफ 4 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसी निशान को इस तरह ऊपर तक 4 इंच तक खींच लेंगे। अब इसे मिला लेंगे, इस तरह एक बॉक्स इधर बना लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब देखिए सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। अब एक पीस को हम अलग रख देंगे। अब देखिए इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब सेंटर में नीचे तक निशान लगा लेंगे, ये देखिए। अब देखिए सेंटर के निशान पे इंची टेप को रखेंगे, 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए इस निशान पे इंची टेप को रखेंगे, 4 इंच तक इस साइड निशान लगा लेंगे और इसी तरह से 4 इंच तक इस साइड निशान लगा लेंगे। ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहां से भी इस निशान पे इंची टेप को रखेंगे, 4 इंच तक इधर निशान लगा लेंगे और 4 इंच तक इधर निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को मिला लेंगे इधर से भी। अब देखिए इसके लिए रेडीमेड बेल्ट लेंगे। आप चाहे तो इसी कपड़े की बेल्ट तैयार कर सकते हैं, लेकिन रेडीमेड बेल्ट ज्यादा मजबूत होती है। लेंथ है इसकी 56 इंच। अब देखिए इसे 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरह से इस निशान पर रखेंगे, यहां पे एक और पिन लगा देंगे। देखिए यहां तक जहां तक हमने निशान लगाया है। अब इसे बिल्कुल सीधा रखेंगे इस तरह।
यहाँ से भी 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस निशान पर रखेंगे, यहाँ भी ऑल पिन लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से घुमाते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह इसमें भी सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। ये देखिए सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। अब देखिए हैंडल को अंदर की तरफ करेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे तरफ रखेंगे बराबर। अब एक सिलाई हम यहां से यहां तक लगाएंगे, एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे। ये देखिए, अब देखिए मैंने कपड़े की पतली पतली स्ट्रिप कट की है। ये देखिए विड्थ है इसकी 2 इंच। अब देखिए इन पट्टियों से हम रफ एजेस कवर कर लेंगे, जिससे बैग की सिलाई भी मजबूत हो जाएगी और बैग में अच्छी सी फिनिशिंग भी आ जाएगी। ये देखिए अब इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे, फिर इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब इन सिलाई को भी कपड़े की पट्टी से कवर कर लेंगे। ये देखिए अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए काफी बड़े साइज का बैग बन गया है ये। अब देखिए इस कॉर्नर से पकड़ेंगे, ये देखिए बिल्कुल सीधा, इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहां तक सिलाई लगा लेंगे, फिर इस कॉर्नर से पकड़ेंगे, इसके भी बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इस दोनों कॉर्नर पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये देखिए हमारा खूबसूरत सा बैग बनकर बिल्कुल रेडी है। इसमें आप घर का राशन ला सकते हैं, एक साथ ढेर सारी सब्जियां ला सकते हैं। काफी बड़े साइज का बैग है ये देखिए, ये देखिए इसका बेस, ये देखिए।